बिग बॉस के बाहर चल रही अभिषेक और एल्विश की कंट्रोवर्सी में जो मैच्योरिटी दिखाई है मनीषा रानी ने, उससे सीखना चाहिए जिया शंकर और बेबिका जैसे कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट को। तो फिर चलिए आपको बताते हैं कि क्या है फ़र्क जिया और बेबिका में, क्यों मनीषा को कहा जाता है मैच्योर, आखिर क्यों इस बड़ी लड़ाई में भी, जिस लड़ाई में हर कोई मनीषा को चाहता है अपने साइड लेना, उस लड़ाई में भी मनीषा ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद आप भी हो जाओगे खुश। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। अभिषेक मल्हान और एल्विश यादव की जो लड़ाई चल रही है उसमें हर कोई अपना अपना पक्ष रख रहा है। अब तो अभिषेक बहुत हद तक एक्सपोज भी हो चुके हैं। अभिषेक ने ये बात खुद मान ली है कि हाँ भाई मेरा टीम वाला कर रहा है, मेरे टीम की गलती है, मैंने सारे ट्वीट को डिलीट करा दिया है। इसके ट्वीट पर खुद अभिषेक ने ही रिप्लाई किया था, तो साफ हो गया है कि अभिषेक और एल्विश की लड़ाई जो है वो दो टूक हो चुकी है, दो गुट में लोग बट गए हैं। कुछ लोग बेबिका जैसे लोग भी हैं जो इसी आग में घी डालकर आग को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो जिया शंकर जैसे लोग भी हैं जो अपने आप को सुपीरियर बताती तो हैं लेकिन जिया को जब बात आती है तो कभी वो अभिषेक के खिलाफ, कभी एल्विश के खिलाफ, और मनीषा की तो बात ही मत करना क्योंकि मनीषा से तो उनका ऐसा लगता है जन्मों जन्म की दुश्मनी है। मनीषा को वो फूटे आँख नहीं सुहाती है, लेकिन मनीषा ने जो मैच्योरिटी दिखाई है वो दिल जीत लिया है। मनीषा ने वीडियो शेयर करके जो पॉजिटिव मैसेज दिया है, इस मैसेज में ना ही अभिषेक का नाम है ना ही एल्विश का नाम है, लेकिन हाँ मनीषा ने ये साफ कर दिया कि भाई जो भी गलत कर रहा है उसको भगवान ज़रूर सजा देंगे, अच्छे इंसान के साथ गलत नहीं करना चाहिए। क्या ये मैसेज इसके पहले जिया शंकर या बेबिका के मुंह से सुना था आपने या फिर किसी के भी मुंह से? क्योंकि हर कोई अपने अपने पक्ष रख रहा है, जहां पर पूजा भट्ट अविनाश जैसे लोग एल्विश का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अभिषेक के खिलाफ ही बयानबाजी करते रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एल्विश को इसमें टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मनीषा एक ऐसी कंटेस्टेंट है, मनीषा एक ऐसी लड़की है जिसने न्यूट्रल स्टांस रखा है, सपोर्ट किया है, लेकिन हाँ नेगेटिविटी नहीं फैलाई है। बावजूद उसके मनीषा को लोग अब भी हेट दे रहे हैं, कुछ पांडा गैंग के लोग हैं, कुछ एक्स वाई जेड हैं, और जिया शंकर के फैंडम की तो बात ही क्या कर सकते हैं। जिया शंकर ने तो हमेशा से ही मनीषा को ट्रोल किया है, तो मैं चाहूँगा जिया शंकर और बेबिका को मनीषा से सीखना चाहिए पॉजिटिवनेस, क्योंकि बेबिका जहाँ पर अपनी मूवी के प्रमोट करने के लिए, अपनी जो नए प्रोजेक्ट हैं उसको प्रमोट करने के लिए इस कॉन्ट्रोवर्सी में कूद रही हैं, तो जिया शंकर जो हैं वो कहीं ना कहीं अभिया फैंडम को प्रमोट करने के लिए मनीषा को टारगेट कर रही हैं। आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या वाकई आपको भी लगता है जो मैच्योरिटी मनीषा के अंदर है वो बेबिका जिया तो क्या अभिषेक और एल्विश में भी नहीं है? लिखिएगा ज़रूर, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।